सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पॉइंट फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट फॉर यू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के 3 वंडरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाले आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले अगले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करने के लिए आपको अपने फ़ोन में GB व्हाट्सअप डाउनलोड करना होगा। तो इसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब अपना GB व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहां पर किसी चैट्स या फिर किसी ग्रुप को हाइड करना है तो आपको उस चैट या ग्रुप पर 2 से 3 सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस कर देना है इस तरह से। उसके बाद ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो हमें ये राइट साइड तरफ 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे हाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस ऑप्शन का फर्स्ट बार यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पैटर्न का पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसे सेट कर लें। मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं इसे फिल कर देता हूँ। तो ये मेरा चैट हाइड हो चुका है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये हाइड होकर कहाँ चला गया, तो ये जो लेफ्ट साइड तरफ कॉर्नर में सबसे ऊपर व्हाट्सअप लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर वो पैटर्न आ जाएगा। आप जो पैटर्न सेट किए हुए रहेंगे वो यहाँ पर फिल कर दें, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से उसे मैसेज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको वापस उसे अनहाइड करना है तो फिर से उस पर लॉन्ग प्रेस करके ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन मार्क चैट एज विजिबल पर क्लिक कर देना है। तो ये मेरा अनहाइड हो चुका है। तो अब मैं इसके थीम के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा थीम अभी है वो जनरली सभी लोगों के पास होता है, तो मैं अभी इसका थीम चेंज करके दिखा देता हूँ कुछ अलग ही अट्रैक्टिव कलर्सफुल कलर्स के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो प्लस का साइन दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन जो ब्रश का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे, आपको जो पसंद है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे ले लेता हूँ, तो ये अप्लाई पर क्लिक कर दिया मैंने, उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा थीम चेंज हो चुका है। यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप का कलर देखिए पहले से अलग हो चुका है। तो अगर आपको वापस से इसे डिफ़ॉल्ट थीम पर सेट कर देना है तो ये जो थर्ड ऑप्शन है एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इंटर टू सी मोर थीम ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन क्लियर सेट डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप प्रेफरेंसेस, उस पर क्लिक कर देना, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये आपका जो डिफ़ॉल्ट रहेगा पहले से व्हाट्सएप पर थीम वो हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको पता करना है कि आपके व्हाट्सएप पर कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स ने कब कब अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया है और कब कब वो ऑनलाइन हुआ है ऑफलाइन हुआ है, तो उसे अगर पता करना चाहते हैं तो आपको ये फिर से प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए सबसे नीचे वाले ऑप्शन, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को स्कैन कर रहा है, स्कैन करने के बाद ये मुझे सारे कॉन्टैक्ट्स के बारे में बता देगा कि किसने कब अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया है और वो कब ऑनलाइन था। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ उसके बारे में बता देगा, सभी के बारे में कि वो कब ऑनलाइन था कब ऑफलाइन था, सारा यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप पर किसी कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हैं कि वो कब अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया था और वो कब ऑनलाइन था कब ऑफलाइन था। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसमें, तो अगर मैं आपको पूरा बताने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा। तो अगर आप और ज़्यादा व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर आप चले जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा व्हाट्सएप टिप्स के नाम पर, तो वहाँ पर आप बहुत सारे व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।